हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है सर्वज्ञ और आज मैं आप लोगों के लिए इस मैटर अराउंड अस प्योर का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और भी कुछ चीज़ें जानेंगे जैसे सॉल्युबिलिटी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो चलिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें दो पार्ट हैं, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड। तो जो डाइल्यूट होता है उसमें सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है अगर कंपेयर करें सॉल्वेंट से, और जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू सॉल्वेंट। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप जो शरबत बनाते हैं घर पे, एक गिलास पानी और एक चम्मच चीनी डाल दीजिए तो आपका शरबत बन जाता है। बट जो रसगुल्ला का सिरा होता है वो देखिए कितना ज़्यादा मीठा होता है, उसमें चीनी ढेर सारी होती है और वाटर कम होता है, मतलब वो हाईली कंसेंट्रेटेड होता है जो रसगुल्ले का शिरा होता है। बट जो आप घर पे शरबत बनाते हैं उसमें आपने चीनी कम डाली है जो कि सॉल्यूट है, और पानी ज़्यादा डाल दिया है जो कि सॉल्वेंट है, इसलिए वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया है। सो गाइस, चलिए कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आ जाएगा परसेंटेज में। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो उसका भी फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये भी आपका परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आप पानी ले लीजिए और चीनी ले लीजिए और चीनी को थोड़ा थोड़ा करके पानी में घोलना शुरू कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी, तो वो आपका बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी थोड़ी और डिटेल आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं कि आपका जो वाटर है आपको एक फिक्स टेम्परेचर पर रखना है, उसका टेम्परेचर आप घटा बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपका वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप तो उसी पे आप चीनी घोलते जाइए और तब तक घोलिए जब तक वो चीनी उसमें घुलना बंद ना हो जाए। मतलब उसमें चीनी आप डालते रहिए, एक ही चम्मच डाल के घोलते नहीं रहना है, उसमें आप चीनी डालते रहिए और तब तक डालिए जब तक उसमें लास्ट ब्लॉक ऑफ शुगर भी नहीं घुल जाता है। तो गाइस, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें थोड़ा टेम्परेचर का रोल होता है। आप जैसे पानी ले लीजिए, उसमें चीनी घुलना शुरू कर दीजिए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी वो उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। बट अगर आप उस सॉल्यूशन का जो कि अनसैचुरेटेड रहेगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, आप उसका टेम्परेचर रेस कर दें, बढ़ा दें, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें चीनी घोलते जा रहे हैं। और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें टेम्परेचर फिक्स रखना होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर वेरी करता है। तो चलिए अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने उसको कूल कर दिया, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, ठंडा कर दिया उसको, तो उसमें नीचे कुछ आपको रेसिड्यू बैठा हुआ मिल जाएगा। और जो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका आपने अगर टेम्परेचर रेस कर दिया तो वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें टेम्परेचर रेस करके उसमें और ज़्यादा शुगर मिक्स कर सकते हैं, या जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन है उसमें आप सॉल्यूट उसका और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जैसे आपने 100 ग्राम वाटर ले लिया, उसमें आपने चीनी को मिक्स करना शुरू कर दिया,
अब 100 ग्राम वाटर में जितना आप चीनी मिक्स कर सकते हैं फिक्स टेम्परेचर पे, वो उस वाटर की सॉलिबिलिटी हो जाएगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लें और उसमें आप जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घोल सकते हैं वो उस सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी में। जैसे कि आप वाटर में जब शुगर को घोलते हैं तो वहाँ पे आपका जो शुगर है वो सॉलिड है और वाटर जो है लिक्विड है। तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर वाटर का बढ़ाएंगे तो वहाँ पे सॉलिबिलिटी वाटर की बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो वाटर की सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। तो अगर प्रेशर की बात करें तो इसमें प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता, आप चाहे प्रेशर कम कीजिए चाहे ज़्यादा कीजिए, सॉलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वहीं पे अगर बात करें गैसेस इन अ लिक्विड, वहाँ पे आप जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी, और जैसे ऐसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे आपकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यही फर्क पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का सॉलिबिलिटी पे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे कि आपका एग्जांपल होता है फिजिकल चेंज का मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें सिर्फ आपका एक जो सॉलिड है लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। और फिजिकल चेंज की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये रिवर्सेबल होता है। तो अगर वहीं पर बात करें केमिकल चेंज की, तो ये वो चेंज होता है जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, और इसका एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो कि मिनिएचर स्कूल की तरफ से है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि किसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि है CCC और ओ लेवल। आज के गवर्नमेंट एग्जाम्स में CCC और ओ लेवल्स की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए हमने नई सीरीज डाली है, उसको आप जाके चेक कीजिए। और उस नई सीरीज में आपको विपिन सर CCC और ओ लेवल की बहुत अच्छी जानकारी देंगे और नई नई वीडियोज हम लोग डालते रहेंगे। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उसका रिवीजन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।